नमस्कार, सुरागी लाली चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। एक अभियुक्त को आईटीआई थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाशपुर रोड स्थित एक निजी होटल में केजीसीसीआई की नई कार्यप्रणाली की घोषणा की गई। काशीपुर ट्रैफिक पुलिस टीम ने डिवाइडर से टकराई यूपी रोडवेज बस को हटाया। एलडी भट्ट अस्पताल में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने की चिकित्सा प्रबंधन समिति के साथ बैठक। गौवंश संरक्षण एस्कॉर्ट तथा आईटीआई थाना पुलिस ने दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने मधुबन नगर पहुंचकर ढेला नदी से हो रही भूकटाव का किया मुआयना। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में थाना आईटीआई थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 35 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बाशपुर रोड स्थित एक निजी होटल में कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तराखंड के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक कुमार बंसल ने पद ग्रहण किया है। इसी के साथ नई कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चैंबर हाउस के उद्घाटन कराए जाने के कारण AGM में विलम्ब हो गया है, जो की बाद में किया जाएगा। साथियों, दो बातें पिछले 3-4 महीने में हुई ग्लोबल लेवल पे, और जो हम एज इंडियंस, और आज हमारी आम सभा की बैठक रही जिसमें हम अगले वर्ष के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन करते हैं, और इसमें हमारे उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई है, और उन चर्चाओं में विशेष रूप से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्योगों की चाहत रही है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र कुमाऊं में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है, जिसके कारण हम अपने पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा में हम नहीं आ पा रहे हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि रुद्रपुर में जो सिडकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट है, जहाँ पर 600-700 उद्योग कार्यरत हैं, और उनका जो मूल आवागमन का जो रोड है, वो रोड 14 घंटे यातायात के लिए बंद कर दी जाती है कमर्शियल व्हीकल के लिए। तो ऐसे में उन उद्योगों का चलाना, उनकी लागत बढ़ जाने के कारण उनका चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग रहेगी वो जल्दी से इसको नेशनल हाईवे को जो बाधित किया गया है उसको डेवलप करके और उसमें वहाँ पर रोड को चालू करे। और इसी प्रकार जैसे बिजली को लेकर है, हमारे अनेक उद्योग हैं, जो यहाँ हमारा प्रमुख इस्पात उद्योग है, उस उद्योग की जो जब कभी प्रदेश में थोड़ी बहुत भी पावर की अगर कहीं संकट होता है तो पहले सबसे ज़्यादा उस उद्योग को प्रभावित किया जाता है, उस उद्योग की बिजली को कट कर दिया जाता है, और वो उस उद्योग का रॉ मटेरियल ही बिजली है। उस उद्योग बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा है, तो सरकार से अपेक्षा है हमारी कि वो पावर की उपलब्धता बढ़ाएगी और वो उपलब्धता बढ़ा के उस उद्योग को सपोर्ट करेगी। इलेक्शन की जो रिपोर्ट होती है वो सर प्रेजेंट की जाती है। जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है, मैं उनको स्वागत करता हूँ और उनका बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ अगले वर्ष के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमारा चैम्बर 34 वर्षों से चलता आ रहा है उस हिसाब से ही आगे कार्य करते रहेंगे, और इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं जिसको हमें आगे सरकार के सामने रखनी होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता उद्योग की जो भी समस्याएं हैं, चाहे विद्युत को लेके हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके हैं, कुछ लेबर्स की प्रॉब्लम है हमारे सिडकुल एरिया में, उसको लेके हम चाहेंगे सरकार इसमें हमारी बात सुने, हमारा काम है। Thank you.
काशीपुर के एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के सामने एक यूपी रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे लंबा ट्रैफिक लग गया था। जिस दौरान काशीपुर ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा ने अपनी टीम के साथ रोडवेज बस को हटाया, जिसे रोड पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया। रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट अस्पताल में उधम सिंह नगर नवनियुक्त जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने चिकित्सा प्रबंधक समिति के साथ बैठक की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद करने की बात कही। इस दौरान उनके द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया गया। वही बैठक में जिलाधिकारी ने हिदायतें देते हुए कहा कि बायोमेडिकल बेस्ट निस्तारण में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने विभिन्न वार्डों के निरीक्षण के दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों तथा तीमारदारों से उनका हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। भोजन का व्यवस्था, 50 पर्ची है, 50 सर्जन गाउन मरीज हेतु गाउन। देखिए, चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पूरे प्रदेश में, जो भी PSC स्पेशली या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ये एक रूटीन की बैठक है। और इस बैठक में जो यूजर चार्जेस मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, जो अपनी इनकम है, थोड़ा बहुत जो पैसा शासन से आता है, उसी के तहत इनको पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा कैसे हमारा हॉस्पिटल का परिचालन ठीक ढंग से हो सकेगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ये बैठक की जाती है। इसमें सभी उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, मेयर साहब हैं, और डिपार्टमेंट के भी अधिकारी रहते हैं, बाकी जो जैसे CMO साहब जिला मुख्यालय के हैं, यहाँ पर DP CMO साहब हैं, एडिशनल CMO साहब, इसके सब मेंबर हैं। और इस बैठक में जो चीज़ें रूटीन में इनको आवश्यकता होती है वो बिंदु रखे जाते हैं, जो चीज़ें हैं जिनके लिए कोई चीज़ खरीदनी है, कोई नई चीज़ करनी है, जो लिमिटेड बजट इनका होता है, तो उसी के तहत ये बैठक आज रखी गई है। और बैठक में इनका जो बजट है वो बजट भी इनका जो प्रस्ताव है बजट, उसका भी अनुमोदन किया गया है। इस साल का इनका बजट है 2,68,24,490 रुपये का, जो पिछले साल से लगभग 10% ज़्यादा है। तो ये भी बजट एक तरह से अनुमोदित हुआ आज की बैठक में। उसके तहत अब ये आगे कोई चीज़ खर्च कर पाएंगे पैसा आप जो भी चीज़। सर, बजट प्रत्येक वर्ष चुनता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी काशीपुर सरकारी अस्पताल है सर, यहाँ से रेफर सेंटर बंद करके रह गया है। यहाँ पर जहाँ तक चिकित्सा सुविधा की बात की जाए तो वो ना के बराबर है, तो उसको सुधारने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, ये चीज़ें जो आप उठा रहे हैं प्रश्न, चूँकि आज मेरी भी पहली बैठक है और फार्मर, तो ये रेफरल सेंटर न बन करके आपके कहने का मतलब है कि एक्चुअली यहाँ से लोगों का इलाज हो। देखिए, शासन की भी इच्छा यही है कि इसको डिसेंट्रलाइज रखा जाए, किसी एक हॉस्पिटल पर, किसी एक शहर के एक दो हॉस्पिटल पर ही सारा बोझ न डाला जाए। उसके तहत काम हो रहे हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कहाँ हम और बेटर कर पाएंगे कम इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों को सब मालूम है कि रुद्रपुर में तो नया मेडिकल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने का भी प्रपोजल चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं। एक मेडिकल कॉलेज की बात आप लोग जान ही रहे हैं कि वो भी जल्दी ही बनना शुरू होगा। जहाँ तक काशीपुर की बात है, तो इसके लिए भी अब हम पूरा देखेंगे प्लान में क्या हम बेटर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, कोशिश करेंगे। बहुत पुराना शहर है और बड़ा फेमस ये तहसील रही है, आज भी है। सर, चिकित्सकों को लेकर के किस तरीके से? हाँ, चिकित्सकों में देख रहा था काफ़ी कुछ कमी है कुछ जगह, तो संविदा के माध्यम से भी कुछ डॉक्टर रखे गए हैं, लेकिन इसको लेकर के मैं आया हूँ तो चीज़ों को समझूंगा, फिर समीक्षा करूँगा और शासन से और डायरेक्टरेट से जो भी व्यवस्था हो पाएगी उसके लिए प्रयास। डॉक्टर नहीं है सर,
वो सब चीज़ें हम समीक्षा करेंगे। फिर काशीपुर को तो काफ़ी ठीक बनाना है कि इसका काशीपुर का वो जरूर दुर्गपुर पर ना जाए, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। गौवंश संरक्षण स्क्वाड तथा आईटीआई थाना पुलिस द्वारा गौवंश पशुओं की गौक्षी करने वालों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाकर ग्राम गुलड़िया में डेला नदी के पास दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 210 किलोग्राम गौ मांस बरामद किया गया। वहीं मौके से तीन अभियुक्त फरार हो गए, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गाया। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उधर राज सिंह ने मधुबन नगर पहुंचकर ढेला नदी से हो रहे भूकटाव का मौके पर मुआयना किया। उन्होंने भूकटाव रोकने एवं स्थायी समाधान हेतु कार्य योजना बनाकर प्रस्तुति करने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए हैं। इस दौरान निरीक्षण में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह, काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय, काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली और पूर्व पार्षद अब्दुल कदीर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहले भी अभी देखा मैंने, इसके पहले भी सिंचाई विभाग ने यहाँ पर कुछ बोरियाँ वगैरह लगाया था, लेकिन देख करके लग रहा है कि यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंचाई विभाग को निर्देशित कर रहे हैं, वो पूरा डिटेल डीपीआर बना करके दें और इसको हम दैवीय आपदा से या किसी मत से धनराशि की व्यवस्था कराएँ। आज के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।